हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद छठवां अध्याय। गंगा तट में त्रे सौ मिले विदुर विदुर कर जोर। बोले पुनि करुणा यतन हरहु सकल ब्रह्म मोर। सृष्टि प्रकट जही भांति सब हरि वैराट स्वरूप। कही सकल समझाए कर मुनि सर्वज्ञ अनूप। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके अनंतर दुखी विदुर जी ने गंगा जी के तट पर हरिद्वार क्षेत्र में ऋषि मैत्रेय जी के पास जाकर दंडवत प्रणाम कर उदास मुख से अपने हृदय की शंका को प्रकट करते हुए प्रश्न किया कि महाराज, जब से मेरी मार्ग में उद्धव जी से भेंट हुई है, तब से आज तक मुझे इस प्रकार की विकलता घिरे हुए है। कारण के उनसे पूर्णतः श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने का हाल एवं उनके अंतर धाम का कारण और उद्धव जी का आपसे उनका अंतिम विछोह किस प्रकार से हुआ, यह सब स्पष्टतया मैं ना सुन पाया। और उनसे पूछने पर भी मुझको आपका ही नाम बताकर वे मेरे समीप से सीधे बद्रिका आश्रम को चले गए। और फिर मैं इस चिंता में ही इधर उधर तीर्थ पर्यटन करता हुआ आपके पास आज आ पहुंचा हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, आप इस मेरी चिंता को दूर करते हुए मेरा संसार में क्या कर्तव्य है सो वर्णन कीजिए, जिससे मेरी कामना पूर्ण हो। विदुर जी की ऐसी करुणा भरी बात को सुनकर श्री महर्षि मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, स्वरूपा दासी में वेद व्यास जी से तुम्हारा जन्म है, अतः तुम परम भागवत हो। आपकी जो भी इच्छा हो वह मुझसे स्पष्ट पूछ सकते हो। कहिए, प्रथम क्या सुनना चाहते हो? विदुर जी बोले, हे तपोधन, मनुष्य अपने सुखों की इच्छा से दिन रात परिश्रम किया करता है, तथापि अंत में उसको सुख ना मिलकर कष्ट ही प्राप्त होता है, और वह उस घोर कष्ट से एक दिन क्षीण काय होकर मर जाता है। अतः इस कष्ट का दाता कौन है? और यह बताइए कि भगवान अपना सगुण अवतार क्यों लेते हैं? उनका बारंबार विश्व के रचने तथा फिर विश्व के विनाश करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? हे मुनीश्वर, निराकार परमात्मा किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश यह तीन देव स्वरूप धारण करते हैं, सो यह मुझे बताइए। परमात्मा को प्रसन्न करने का कौन सा सरल उपाय है? इस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर जी के ऐसे सुंदर प्रश्नों को सुनकर उनको धन्यवाद देते हुए प्रश्नों का उत्तर देने लगे। महर्षि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, प्रभु की लीला ही इस समस्त संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करती है। पहले तो कुछ भी वर्तमान ना था, किंतु भगवान की आज्ञा अनुसार उनकी महामाया ने विश्व को प्रथम रचा। इसके अनंतर मह तत्व से अहंकार तत्व प्रकट हुआ और अहंकार तत्व से काय अधिभूत कारण कार्य अधिभूत कारण अध्यात्मा तथा कर्ता अधिदैव प्रकट हुआ। सत्व राज और तम यह त्रिगुण युक्त अहंकार होता है। हे विदुर, मन तथा समस्त देवताओं की रचना सात्विक अहंकार से हुई, दसों इंद्रियों की रचना राजस अहंकार से हुई तथा शब्द भाषण भी अहंकार से हुआ। शब्द से आकाश मंडल हुआ। इस देह में चैतन्य स्वरूप जीवात्मा व्यापक रूप से है। परमात्मा ने माया अंश तथा काल के योग से आकाश में वायु की सृष्टि प्रकट की। वायु तथा आकाश से तेज हुआ, तेज तथा वायु से जल हुआ और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पहला रूप, दूसरा रस, तीसरा शब्द, चौथा स्पर्श, पांचवा गंध, यह पृथ्वी के पांच गुण हैं। आकाश का शब्द गुण है, वायु का केवल स्पर्श गुण है। समस्त देवताओं की उत्पत्ति विष्णु के अंशों से हुई। हे विदुर,
फिर देवताओं ने विचार किया कि यह सब वस्तुएं तो हो गई, किंतु एक साथ होकर मनुष्य देह कैसे रची जाए, क्योंकि अभी यह सब पृथक पृथक ही है। ऐसा विचार कर और अपने परिश्रम को व्यर्थ नष्ट होता समझ कर सृष्टि के रचयिता देवता फिर असमर्थ हुए, परमात्मा की स्तुति गान करने लगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब देवताओं ने परमेश्वर की स्तुति की, तब भगवान ने विष्णु ने समस्त वस्तुओं को इकट्ठा करके विशाल विराट स्वरूप धारण किया। उसी विराट देह में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो गए। तब फिर विराट भगवान ने अपनी देह संतप्त कर देह से सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आदि देवता, वृक्ष, लता और जीवों की सृष्टि प्रकट की। उनके मस्तक से स्वर्गलोक तथा नाभि से आकाश एवं पांव से यह पृथ्वी हुई। देवताओं का निवास स्थल स्वर्गलोक है और मनुष्यों का तथा पशु पक्षियों का निवास स्थान पृथ्वी पर है, एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्राणी आकाश में निवास करते हैं। हे विदुर, विराट भगवान के मुखारविंद से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों जंघाओं से वैश्य तथा उनके पांव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनने यह चार जातियों को प्रकट कर उनके पृथक पृथक कर्तव्य भी बता दिए। हे कुरुश्रेष्ठ, उन भगवान की लीलाओं का पठन पाठन करना सर्वथा कल्याणप्रद है, उनकी महिमा समझना अतीव दुस्तर है। ब्रह्मा जी तो वर्षों तक योग साधन करते हुए सन नामक तप करते रहे, फिर भी वे महिमा न जान पाए। उनकी कृपा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनके तत्व को उनका परम भक्त ही समझ सकता है। उन विराट भगवान को हमारा नमस्कार हो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सातवां अध्याय। वैन सुने मैत्रेय के विदुर सकल धरि ध्यान, जिन संशय करी दूरी पुनी पूछन लगे पुराण। इतनी कथा कहने पर मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे नृपति, मैत्रेय के ऐसे वचन सुनकर पुनः विदुर जी इस प्रकार प्रश्न करने लगे, हे द्विजेंद्र, ईश्वर तो सच्चिदानंद निर्विकार एवं चैतन्य स्वरूप है, फिर वे माया के पाश में बंध कर अपने स्वरूप को धारण कर इस संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करता होते हुए गुणों की एवं क्रिया का संबंध किस प्रकार करते हैं, और इस तरह करने से उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। वे तो सर्वव्यापक हैं, सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थिर रहते हैं, फिर जीव सुख दुख आदि क्लेशों को क्यों पाता रहता है। परमात्मा लीलाधारी स्वयं अविद्या माया के चक्कर में कैसे फंसे, क्योंकि यह तो उन्हीं की बनाई हुई दैवी माया है। विदुर जी के इस तरह के प्रश्न को सुनकर महर्षि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, परमात्मा की दैवी माया बड़ी प्रबल है। इस जीवात्मा को शरीर से संबंध सुख दुख आदि उठाने पड़ते हैं, किंतु परमात्मा सुख दुखों से रहित है। यदि मनुष्य को अपना कष्ट दूर करना हो तो केवल उनका ही निरंतर चिंतन करता रहे और उनके गुण कीर्तनों को करते हुए उनकी ही पवित्र लीला एवं कथाओं का श्रवण तथा पठन करता रहे। जो मनुष्य सब कुछ कार्य करता हुआ निस्वार्थ भाव से अपने किए हुए कर्म फलों को उन्हीं के लिए अर्पण कर देता है, तो फिर उसके पास संसारी क्लेश आवेंगे ही क्यों। परमेश्वर की भक्ति द्वारा मनुष्य यहाँ सुख भोग कर अंत में हरि धाम को जाता है और संसार के आवागमन से हट जाता है। परमात्मा युग युग अवतार धारण कर भक्तों की रक्षा करते रहते हैं और सनातन धर्म की स्थापना कर साधुओं को आनंद देते हैं। वे माया में लीन होते हुए भी माया से परे रहते हैं। महर्षि मैत्रेय जी के इस प्रकार ज्ञान युक्त वचनों को सुनकर विदुर जी का भ्रम दूर हुआ और फिर भी विस्तार सहित सृष्टि की उत्पत्ति जानने की इच्छा से महर्षि मैत्रेय से पुनः प्रश्न करने लगे और वे विदुर जी को प्रश्नोत्तर देने लगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीराम चंद्रम भजे। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्री सुखदेव जी भगवान।